डॉक्टर जूही, डॉक्टर जूही, आपके घर से फोन था, आपकी बीची की तबीयत बहुत खराब है। बीची, बीची, ताई जी, बीची कहाँ है? सरप्राइज, ये देखो हम तेरे लिए क्या लेके आए हैं। जूही पुत्र, ये है तेरी शादी का जोड़ा, है ना खूबसूरत? और हम लोग को ये भी पता था कि तेरे को ये रंग बहुत पसंद है। और पता है हमारे जमाने में ना लहंगे से बड़ा घूंघट हुआ करता था। हाँ। और जो ही तुझे पता है मैंने अपनी शादी में लाल जोड़ा पहना था। और आप बहुत सोने लग रहे होगे। हाँ, इसके दादाजी ने भी कहा था तो बहुत सोनी लग रही है। हाय रब्बा। जो ही पता है घनश्याम ज्वेलर है ना, वो आया था, तेरे सारे जेवर देकर गया है। हाँ पुत्र, अब तो तेरे दुल्हन बनने का इंतजार है हमें। तभी तो हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी, है ना बीजी? ये ले बेटा संभाल के। हाय रवा पुत्र, तू तो बहुत प्यारी लग रही है। थू थू, फिर नजर ना लग जाए। बेटा आज तुझे दो आंखें भी कम पड़ रही हैं तुझे देखने के लिए नजर भर के। तो अच्छी तरह जी भर के देख लीजिए, क्योंकि ये शादी का जोड़ा मैंने आखिरी बार पहना है। मुझे माफ करना भगवान, क्योंकि आज से आपकी जगह मेरी जिंदगी में राहुल ने ले ली। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसने मेरे लिए, और मैं हमेशा उसे गलत समझती रही। सारी जिंदगी भी अगर मुझे सजा दी जाए तो वो भी कम है। मेरा प्यार काफी नहीं है, आज से मैं राहुल की पूजा करूंगी। मेरे सूने हाथों में सिर्फ उसका एहसास रहेगा, मेरे कानों में अब उसकी आवाज के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देगा। मेरी मांग में सिंदूर नहीं, उसका प्यार होगा। से मेरी जिंदगी का हर एक पल राहुल का है। मैं राहुल की जोगन बनकर रहूंगी। अब यही मेरी मंजिल है और यही मेरा मकसद। लगता है कि आज रोमांस करने का इरादा है, तभी तुमने मुझे यहां बुलाया, राइट? तुम चुप क्यों खड़ी हो जूही? इतना अच्छा मौसम है यार। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। I'm sorry, अमन। मैं राहुल से प्यार करती थी, करती हूं,
और हमेशा करती रहूंगी। राहुल से प्यार तो तुम कर चुकी, अब मुझसे शादी कर लो। अमन, जिद पे शादी नहीं की जाती। और रतीत के लिए शादी तोड़ी भी नहीं जाती जूही। अमन, तुम्हें नहीं पता कि राहुल ने मेरे लिए क्या किया है। और तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राहुल ने सिमरन से शादी इसलिए की ताकि मेरी जिंदगी खुशहाल रह सके, और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं राहुल के अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और मुझे चारों तरफ सिर्फ तुम नजर आती हो जूही। आज तक मैं राहुल से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं राहुल की पूजा करती हूँ। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती अमर, मैं किसी की नहीं हो सकती। मेरी हर सांस, हर धड़कन पर उसी का हक है, फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर लूँ अमर? मेरी रगों में मेरा खून नहीं, तुम्हारा प्यार है जूही। तुम जहां भी होती, जिसके साथ भी होती, शादी मैं तुम्हीं से करता। अमन प्लीज बस करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। शादी एक रस्म नहीं है, दिल का रिश्ता है जो मैं राहुल से जोड़ चुकी हूं। बाकी सब पाप है, उसकी कुर्बानी की बेइज्जती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानती हो कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि तुम राहुल को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ तुम मेरे प्यार की शिद्दत को समझ सकती हो। बस इतना ही कहना था मुझे कि जो सच्चा प्यार करते हैं और सच्चे प्यार की कदर भी करते हैं। तुम्हारे हाँ या ना में उतना ही फासला है जितना तुम्हारे बाएं और दाएं हाथ में, और बीच में तुम्हारा दिल, वही तुम्हें सही रास्ता बताएगा। मेरे सामने दो रास्ते हैं, तुम और सिर्फ तुम। वरना ये जिंदगी मेरे लिए बेमतलब और बेमायने है जूही, और मैं ये जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। मर गया तो शायद याद रह पाऊं, जिंदा रहकर तो कोई असर नहीं छोड़ पाया। असर तो छोड़ चुका हूं जूही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।